हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंचन की दुनिया में। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण कंचन की दुनिया के 1000 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइए। आज मैं लेकर आई हूँ पालक और कॉर्न की सब्जी। मैंने किस तरह से बनाया है ये सब्जी, आप लोग ज़रूर देखिए। सबसे पहले एक पैन को हम गरम कर लेंगे और उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद हम उसमें डालेंगे ये खड़ा मसाला, जीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्च, इलायची और लौंग। ये सभी को डाल देंगे हम। खड़ा मसाला डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे चटकने देंगे। खड़ा मसाला हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बटर। करीब 2 इंच बटर डाल देंगे हम इसमें। बटर को हम तेल डालने के बाद ही डालेंगे, नहीं तो बटर जल जाता है। और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे अदरक और लहसुन जो कि हमने क्रश कर लिया था, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च जिसे हमने बीच से चीरा लगाया है, और इसे भी सभी मसाले के संग हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम 2 प्याज बारीक कटी हुई डालेंगे और प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। कम इंग्रेडिएंट में आपको बहुत ही टेस्टी सब्जी देखने को मिलेगी, आप लोग ज़रूर देखें। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर हमने 2 लिया है और उसे अच्छे से पेस्ट बना लिया है। टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल नहीं निकले। तेल निकलने के बाद समझिए आपका टमाटर पक चुका है। साथ ही साथ हम इसमें मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे से नहीं चिपके। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर के संग मसाले को भी हम पका लेंगे। अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। गैस को हम स्लो करके 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच शाही पनीर मसाला डालेंगे। ये डालने से सब्जी में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप लोग को डालना है तो डाल सकती हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। थोड़ा सा और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पका लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पालक का पेस्ट। पालक को अच्छे से धोकर हमने इसे ब्लांच कर लिया है। ठंडा होने के बाद हमने इसमें अदरक और लहसुन डालकर पेस्ट बना लिया है। अब पालक की कटोरी में थोड़ा सा हम पानी डालकर इसमें डाल देंगे। पालक में हम पानी कम ही डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा चीटा उड़ता है। गैस को हम स्लो कर लेंगे और ढक के 5 मिनट पकाएंगे। पालक पक चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे क्रीम, पर मेरे पास क्रीम नहीं था इसलिए हमने क्रीम नहीं डाला। आप यहाँ पे क्रीम डाल सकती हैं। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि पालक और सॉफ्ट हो जाए। हमने बहुत ही आसान तरीका से पालक और कॉर्न की सब्जी बनाई है, आप लोग ज़रूर देखिए। कम सामान से हमने बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई है, आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइए, बहुत ही स्वाद आता है। मसाला हो चुका है, पालक भी हो चुका है। अब हम इसमें कॉर्न डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे जो कि हमने नहीं दिखाया, गलती से वो कट गया था, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद हम 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और गाइस कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पालक और कॉर्न की सब्जी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये सब्जी बनाने में जितना आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे रोटी हो, चपाती हो, नान हो, उसके संग खा सकते हैं। अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए एक पैन में हम घी डाल देंगे और घी को गर्म होने के बाद हम इसमें कटी हुई लहसुन और कटी हुई अदरक डाल देंगे
और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 लाल मिर्च डालेंगे। तड़का तैयार हो चुका है, अब हम इसको सब्जी में डाल देंगे और सब्जी में डालने के बाद हम सब्जी को ढक देंगे, क्योंकि हमारी कॉर्न और पालक की सब्जी खाने के लिए रेडी है। ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे और चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। गाइस, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपको बस एक काम करना है, नीचे दी हुई सब्सक्राइब को प्रेस कर देना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।